सावन के इस महीने में तीज त्योहार पे जो सबसे ज्यादा फेमस नॉर्थ इंडियन मिठाई है वो है घेवर। घेवर एक नॉर्मल वाला होता है और एक खोए वाला घेवर होता है। दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और इन फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और होल हार्टेडली वेलकम कर रहे होंगे। तो आज है मंडे और कल शिवरात्रि है और तीज भी आने वाली है, तो आप लोगों के यहाँ क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। काफ़ी लोग घर में घेवर बनाते हैं और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो घेवर बहुत तरीके से बनाया जाता है। मुझे तो स्पेसिफिकली दो ही तरीके का पता है, एक चाशनी वाला और एक खोए वाला, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। मैंने घेवर बनाने का ट्राई किया था घर पर 2 साल पहले जब मैं यहाँ न्यू आई थी यूएस में, बट इट वॉज अ बिग फेलियर। तो मैंने उसके बाद कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि घेवर मैं घर में बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है। बट मैंने सोचा है कि अब त्यौहार आ रहे हैं तो कुछ तो घर में मिठाई बना लेती हूँ। तो एज प्रॉमिस्ड आज मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं गुलाब जामुन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे घर में ना अंशुल और गोविंद दोनों को ही गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और पहले ना मैं फ्रोजन गुलाब जामुन लेके आती थी, बट उनमें ना वो बात नहीं होती जो एक्चुअल आप किसी हलवाई से गर्मा गर्म गुलाब जामुन लेकर आए। तो अब मैं ना ये MTR का रेडी मिक्स लेकर आती हूँ। इससे जो गुलाब जामुन आप घर में बनाते हैं ना वो बहुत यमी बनते हैं। इसमें ना सारे इंग्रीडियंट्स ऑलरेडी मिक्स्ड रहते हैं, तो आपको कुछ भी लाइक बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह जो फुलाने के लिए चाहिए वो कुछ भी नहीं डालना होता। सिंपली आप बस पाउडर अपने एक परात में ट्रांसफर कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। तो देखिए, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करूंगी, और डो बनाते वक्त मैं इसे अच्छे से मलूंगी जिससे कि मेरे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेंगे। तो इसे खूब अच्छे से आप 5-6 मिनट तक इस तरीके से मलते रहिए, और मलने के बाद जब आपका आटा तैयार हो जाए तब आप एक गीले कपड़े या डैम्प किचन टॉवल से इस तरीके से रैप करके 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए इसे सेट होने के लिए। डिनर में आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक बहुत ही सिंपल है, मैं मिक्स वेज पराठे बना रही हूँ, और उसमें आप लोगों की भी एक टिप है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जब तक मेरा आटा सेट हो रहा है मैं अपने डिनर की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आज डिनर में तो वैसे मिक्स वेज पराठे बनने हैं, बट अभी मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि आप सभी जानते हो मॉर्निंग्स कितनी ज़्यादा हरी भरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर सब्ज़ी कुछ नहीं है तो बन भी नहीं पाती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर की जो सब्ज़ी है वो नेक्स्ट डे लंच में चली जाए। तो आज तो मिक्स वेज पराठे बनने हैं तो उसके साथ तो कोई सब्ज़ी जाती नहीं है, इसीलिए मैंने ये आलू बीन्स की सब्ज़ी कल स्पेसिफिकली लंच के लिए बनाई है। बीन्स मैंने आफ्टरनून में ही कट करके रख ली थी, तो बस अभी बस मैंने ग्रीन चिलीज चॉप की हैं और आलू वगैरह चॉप करके फटाफट से ये सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। बहुत ही बेसिक स्पाइसेस से बनती है ये सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी रहती है तो नेक्स्ट डे जो है लंच देने में काफ़ी आसान हो जाता है मुझे। और जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक हम यहाँ पे अपनी बॉल्स भी बना के रेडी कर लेंगे गुलाब जामुन के लिए। जैसा कि मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, ये बॉल्स बहुत ज़्यादा पफ अप करती हैं जब इसके अंदर चाशनी जाती है, तो कोशिश करिएगा कि एज स्मॉल एज पॉसिबल बॉल्स को बनाइएगा। ये सारी बॉल्स तो बना के रख ली हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत छोटी बॉल्स हैं, बट ट्रस्ट मी जब ये फूलती है ना तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए ट्राई करिएगा कि छोटी बनाएं। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे ना काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे गुलाब जामुन का जो एक्चुअल साइज होता है ना उस साइज की बॉल्स बना ली थी, तो वो फूल फूल के इतने मोटे मोटे हो गए थे और वो मतलब वो अच्छे नहीं बने थे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बस इतनी ही बॉल बनाइएगा, और ये एक्चुअल जो आपको बाजार में फूले हुए गोल गोल बड़े बड़े गुलाब जामुन मिलते हैं ना उस साइज़ के हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी आलू बीन्स की सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो बस इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल दिया है, और सब्ज़ी को मैं साइड कर दूंगी, और उसके बाद हम अपनी गुलाब जामुन की तैयारी शुरू करेंगे। तो एक गैस पे मेरा हो रहा है तेल गरम, और दूसरे गैस पे मैंने चाशनी बनाने के लिए अराउंड 2.5 कप पानी लिया है, उसमें 3-4 इलायची कूट के डाली है मैंने, और इसमें मैं 15 से 20 सैफ्रन स्ट्रैंड्स डाल दूंगी, और जब ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो अब हम अपनी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती अपनी बॉल्स को, देखिए मीडियम गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगी तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ, और अराउंड 3 बैचेस में मेरे सारे गुलाब जामुन जो हैं वो फ्राई हो गए थे।
और यहाँ पे पानी भी बॉईल हो गया है, तो अब इसमें हम चीनी मिला देंगे। तो अंदाजन मैंने उतनी चीनी मिलाई है जितना मेरा फ्लोर था। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा आकर बैठा है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जितना आपका आटा हो उतनी ही चीनी आप मिलाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वान्टिटी। और यहाँ पर चाशनी मेरी एक तार की बन गई है। बहुत थिक चाशनी हम नहीं बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को सोखता है, तो इसलिए पतली चाशनी बनती है। और बस चाशनी मैंने ऑफ कर दी है, उसमें गुलाब जामुन डाल दिया है। और साहब की डिमांड आई है कि आज कढ़ाई चढ़ी हुई है तो उन्हें पनीर चिली समोसा खाना है। ये समोसा बहुत ही यमी है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है, बट आज तो मेरा फास्ट है तो आज तो सिर्फ उन्हीं के लिए फ्राई होंगे ये। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मैंने आपको कहा था ना ये गुलाब जामुन बहुत फूलते हैं, तो देखिए ये लाइव डेमो है। इसमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा बची है, थोड़ी सी है, और ये अब कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो मैं इसे एक डब्बे में डाल के फ्रिज में डाल दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग डिनर के बाद इसे खाएंगे। पहले मैं इसका भोग लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ भी मीठा बनाते हैं तो भगवान को ज़रूर एक बार भोग लगाना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कितनी सारी कुकिंग कंटिन्यूएशन में करी है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा सा बैठे थे, बातें वगैरह की, और मैंने चाय पी है, और अब हम लोग अपना डिनर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पराठे, और साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो साफ़ कर रहे हैं। और वी आर स्टिल नॉट डिश वॉशर पीपल, हमें हाथ से ही धोना बर्तन को ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि सारे जो इंडियन कुकिंग में चिकने हो जाते हैं ना बर्तन, तो वो हाथ से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो साहब बर्तन साफ़ कर रहे हैं, और मिक्स वेज पराठे के लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ग्रेट की है, दो फ्लोरेट्स लिए हैं कॉलीफ्लावर के, वो ग्रेट कर लिए हैं। साथ में थोड़ा सा पनीर ग्रेट किया है, आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि पनीर ग्रेट करने से आटा जो है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता और पराठे बहुत अच्छे बन के आते हैं। और उसमें मैंने डाला है पालक, ग्रीन चिली, मूली, आप चाहें तो गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मसालों में इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन, सॉल्ट और हल्दी डाली है कलर के लिए। और आटा डाल के मैं विदाउट एडिंग एनी वाटर मैंने आटे को गूंद लिया है। आप पानी एकदम से इसमें मत ऐड करिएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं तो आटा उसी से लग जाता है। और जब भी आप इस तरीके के पराठे बनाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आप फ्रेश फ्रेश पराठे बनाएं। लाइक जितना आप आटा गूंदे सारे आप उसके पराठे बना लें, क्योंकि अगर आप आटा रख देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसके पराठे बनाएंगे तो एक तो आपसे आटा संभलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत लिसलसा जाएगा और पराठों में भी फिर वो टेस्ट नहीं आता। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी इस तरीके के पराठे बनाती हूँ, फ्रेश फ्रेश पराठे बनाती हूँ, और छोटे छोटे पराठे बनाती हूँ, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा चिपके ना। और ये पराठे ऐसा ही होता है कि एक एक पराठा मिलता जाता है और एक एक पराठा सिकता जाता है। तो अभी साहब जो हैं पराठे सेक रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, सेकने का पराठे काम हमेशा उन्हीं का होता है। आप देख लीजिए कि कितने करारे और कितने बढ़िया पराठे वो सेकते हैं। मुझ में ऐसा पेशेंस नहीं है कि एक एक पराठे को इतने अच्छे से मैं टाइम लगा के सेकूँ, इसीलिए आई प्रेफर बेलना। और ये हमारे करारे करारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद अभी हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैं शाम को अब कार लेके निकलती हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। और गोविंद को लेनी है बबल गन, मुझे भी अपने लिए थोड़ा सा सामान लेना है, दो चार चीज़ें लेनी है, तो वही सब अभी लेने जा रहे हैं। अभी तो काफ़ी उजेला है, फिर आने के बाद सोचा है थोड़ी सी वॉक करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। आज तो वैसे भी मंडे है, वीकडे है, तो जल्दी सोना होता है वीकडेज में। गोविंद, व्हाट डिड यू बाय? बाबा गन।
कैन यू प्लीज शो अस? नो, शो कर दो प्लीज, मजा आएगा। गोविंद वॉलमार्ट से आते ही लग गया है अपनी बबल गन के साथ प्ले करने। वो पैटियो में डैडी के साथ बबल्स बना रहा है, और तब तक मुझे कुछ एडिटिंग करनी थी तो मैं वो काम फिनिश कर रही हूँ। आज मुझे अपनी एक फर्स्ट चिटचैट वीडियो पब्लिश करनी है, तो बस पब्लिश करने से पहले जो थोड़े से काम रहते हैं वो सब मैं ख़त्म करूँगी अभी। तो किचन के सारे काम खत्म हो गए हैं, लास्ट में मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय हम दोनों के लिए। आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, अक्सर ना मुझे फास्ट वाले दिन शाम के टाइम से ना हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं मैं ही एक वियर्ड वन हूँ या फिर सभी को होता है, क्योंकि पूरा दिन आप भूखा रहते हो फिर रात में खाना खाते हो ना तो थोड़ा सा सर भारी हो जाता है। इसीलिए सोचा कि थोड़ी सी कड़क चाय पीते हैं, और इसी चाय के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। अगर आपको आज की मेरी कुकिंग ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ़ यू फील कनेक्शन विद मी, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा, आई लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।